नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशीकरण स्पेशलिस्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद आसान उपाय किसी को भी अपने वश में करने का। जी हाँ, क्या आप किसी लड़की को अपने वश में करना चाहते हैं? क्या आप किसी अविवाहित स्त्री को अपने वश में करके अपना मनचाहा कार्य करवाना चाहते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे एक बेहद आसान तरीका, जिसमें आपको किसी भी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए तुलसी के कुछ पत्ते। जी हाँ, तुलसी के कुछ पत्ते लेकर आप इस वशीकरण उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए लाल रंग का सिंदूर और आपको चाहिए तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों पर सिंदूर से उस लड़की का नाम लिखें, लेकिन याद रखें उस सिंदूर का इस्तेमाल आपको करना है पहले इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। यानी कि सबसे पहले आपको एक डिब्बी सिंदूर की लेनी है और उसके बाद ये मंत्र जाप करना है 551 बार। 551 बार जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये सिंदूर सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद इस सिंदूर का इस्तेमाल करके आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर पाएंगे। सबसे पहले तुलसी के पत्तों पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। सिंदूर को सिद्ध करने के बाद जब आप उस पर नाम लिखेंगे तो उसके बाद आपको इस मंत्र का उपयोग फिर से 108 बार करना है। इस मंत्र को पढ़ें 108 बार और तुलसी के पत्तों के ऊपर फूंक मारें। इसके बाद आपको तुलसी के पत्ते अपनी घर के किसी बहते हुए पानी में बहा देने हैं। आप चाहें तो घर के आसपास कोई भी ऐसी जगह ढूंढ लें जहां पर आपको बहता हुआ पानी मिल जाए। उसके बाद आप इसे बहते हुए पानी में बहा दें। एक और तरीका है, अगर आपके घर के आसपास में कोई जल का प्रवाह ना हो तो आप इसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं। अपने घर के पास में ही देखें कोई ऐसी जगह जहां पर कोई आपको देखने ना पाए। आपको पीपल के पेड़ के नीचे इन पत्तों को दबाना है और उसके बाद पीछे पलट के ना देखें। दोस्तों, इसको करने के बाद जब आप उस लड़की के पास जाएंगे तो वो आपके वश में होगी। अब आप ध्यान से सुनिए वो मंत्र, जिस मंत्र के उपयोग से आप उस लड़की को वश में कर पाएंगे। ये मंत्र है ओम वासुदेवाय नमः। जी हाँ, मंत्र बेहद आसान है, इसको पढ़ना वो भी आसान है। इसीलिए आपको बताया कि सबसे आसान उपाय जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर पाएंगे। तो तुरंत कीजिए इस उपाय को और हमें बताइए कि आपको इसका लाभ मिला कि नहीं। एक बात याद रखिए, इस मंत्र का उपयोग किसी भी गलत धारणा से ना करें। शुद्ध मन से, साफ विचारों से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका कार्य जरूर होगा। अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, बाबा जी आपके लिए ये कार्य सिद्ध करके देंगे। कॉल लगाएं पंडित पंकज ज्योतिष आचार्य काटू श्याम को। जी हाँ दोस्तों, उनका नंबर है +91 9878 3215। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और बात कीजिए पंडित पंकज ज्योतिषाचार्य खाटू श्याम जी को। उनसे अपनी हर समस्या का समाधान पाएं सिर्फ एक फ़ोन पर। तो कॉल करें अभी